हेलो दोस्तों चला एक बोला सुनो 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 जब से रुका 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 है सर ना बोला हेलो गाइस बोला खाली हेलो गाइस बोला हेलो गाइस तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिनर रेडी हो चुका है। छीमी की सब्जी, कोदे की रोटी और साथ में घी। वो गोबर पकड़ने में बहुत मस्त लगती है, क्योंकि गरम हमें लगती है ठंड और हमारे हाथ हो जाते हैं गरम। तब मन करता है इससे ऐसे खेले फुटबॉल इससे। अब साल बैठा था बोने, अब साल बैठा था दिन तक इतिहास हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरा नाम है मोनिका सजवाण और मेरे गांव का नाम है नारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग शाम के 4 बजे से, क्योंकि आजकल दिन भी छोटे हो रहे हैं और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, जब धूप में बैठ रहे हैं उसके बाद उठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो आज हमने खूब धूप से की, आराम से छत में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शाम से ही आज ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो आज का ब्लॉग पूरा रात तक चलने वाला है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे घर पे सिर्फ शीतल ही है, जो कि बासी भात खा रही है, पूरा चाट दिया इसने, पूरा खाली कर दिया। कैसा हो रहा भात खाने? चौसा भात एकदम मस्त। हाँ, तो आजकल हम चौसा भात ही बना रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि ठंडियों में ना हमें चौसा भात खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और हम सबका फेवरेट भी है। तो फिलहाल तो अभी घर पे कोई नहीं है, शीतल और मैं ही हैं। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है और उसके बाद मिलाएंगे सबसे जब सब आ जाएंगे घर पे, मम्मी पापा मेरा भाई सब, सबसे मिलाएंगे आप लोगों से। तो दोस्तों इन लोगों को पहले कैमरे पर देखना पड़ता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी ये ऐसे बोल रही थी, पहले मेरे को दिखा कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। तो गाइस बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ, ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी हम यहाँ पीछे पे ना, आपने देखा होगा पहले की वीडियो में, यहाँ पे एक छीमी का लगला था, यानी कि छीमी की बेल थी, तो वो लगभग पूरी सूखी गई है। तो अभी हम इस लगले को भी निकाल रहे हैं भैंस के लिए, घास के लिए। तो ये देखो यहाँ से भी खींच रहे हैं और हमारी माता श्री नीचे। हेलो माता श्री। हेलो दोस्तों, सबको प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? सब्जी निकाल रही हूँ मैं। हाँ, और घास भी निकाल रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कि मोनिका जहाज में है और मैं नीचे हूँ। यहाँ से ऐसे ही लग रहा है। तो एक साथ दो दो काम हो रहे हैं, सब्जी भी निकल रही है और जो ये बेल है छीमी की बेल, वो भैंस के लिए भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अभी खींच रहे हैं। अभी हम यहाँ पे सब्जी निकाल ही रहे थे तो हमें यहाँ पे मिली है पहाड़ी सब्जी गोदड़ी, जिसको कि हिंदी में तोरी बोला जाता है। तोरी बोलते हैं इसको। हाँ, इसको सुखाने के लिए रखते हैं ना, इसको जैसे सुखाएंगे ना अंदर। हाँ, तो बीज के काम आ जाता है। जो ये बाहर का है, बर्तन मांजने में इतना अच्छा होता है। हाँ, क्या जूना का काम करता है। देखो हमारे पतिदेव जी देखो काम कर रहे हैं, पापा भी वहाँ पे सब्जी उठा रहे हैं। और ये देखो इतना मतलब मस्त रहता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, जैसे जूना रहता है ना बर्तन धोने का, ऐसे तो इस काम में ये आता है। तो पहाड़ों में हर चीज यूज की जाती है, कुछ भी चीज फेंकी नहीं जाती है। अंदर बीज मिलेंगे, ये देखो अंदर से बीज निकल रहे हैं। कीड़ा बिछा कीड़ा बिछावल बड़े स्टाइल से बीज निकाल रही थी, हाथ में पूरे कीड़े आ गए। हाथ दिखो, कीड़ा दिखो ना, हाथ दिखो। ये तो इसके अंदर कीड़े भी हैं, बीज भी है, पागल का की। तो पूरा सड़ रखा था ये, कोई बात नहीं, ये बर्तन धोने के काम में आएगा हमारे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम सब्जियां तैयार कर रहे हैं शाम के लिए। कर हाथ खाले ना कर। हाँ बोला। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोनिका का पापा और मेरा नाम ये बोला ना, बोला ना खाली ना बोला। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? ये किले इतिहास सरम कोई भी तो नहीं है मुखाले हम इतना। तो दोस्तों ये थंबनेल खींचा जा रहा है यहाँ पे, अब पापा बनाएंगे ब्लॉग। पापा बोला, कुछ बोला, बोला ना ये, अरे कुछ बोला ना सही। तुझे एक मुद्रा खड़ा कम से कम, माँ बोले, चला माँ बोले, तुम खड़ा रहा बोलवा। हेलो दोस्तों, तो देखो हमारे पति देव जी ने यहाँ सब्जी भी तैयार कर दी। हाँ। फिलहाल लगला तो मैंने खींचा, ये तो बाद में आए खाली फोटो खींचने के लिए। तो कुछ तो बोला, जो भी किया बहुत अच्छा। तो चुप, पापा बना फुबन, बोला पापा। हमारे पति देव जी बहुत सर मिले, कुछ तो बोला, कुछ तो बोला, हाय हेलो तो बोला, बस यही और कुछ नहीं। हेलो गाइस, बस वही तो हम सोच रहे पापा ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन मत बोला, इसके पापा कभी कभी अर्थ पकड़ते ना तब बोलते हैं। थोड़ा ट्राई करो ना पापा, सीखने का बात हो, ये पकड़ो जरा से बेटा, पर्दा आप जरा ब्लॉग बनाओ तो सीख लो तुम। खाली बोला, खाली बोला, हेलो दोस्तों मैं मोनिका का पापा हूँ।
हेलो दोस्तों पापा बहुत सर मिले हैं ना तो इसलिए देखो भागे पापा। अब पापा सीधे एक रेस रेस पकड़ेंगे सीधे ऊपर देखो। अरे राम क्या करना दोस्तों, पति देव मेरे सर मिले हैं क्या करें सर, मैं उनको बहुत कैमरा फेस करने की आदत नहीं है। नहीं पापा के बदलेगा अभी मैं ही बोलूंगी क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है कैमरे में बोलने की, तो मुझे कोई शर्म कोई झिझक नहीं होती। तो क्या करे अपनी अपनी आदत होती है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ उनको कैमरा जबरदस्ती पकड़ो। सही बात बस दोस्तों यही है। अब जाती हूँ मैं गौशाला, अब गौशाला चलते हैं घास लेके, मैं भी गौशाला जाऊंगी। मम्मी गौशाला का बर्तन साथ साथ में लकड़ियाँ सब्जी घास सब तैयार हो रहा है ऑल इन वन। तो दोस्तों हमने यही घर के नीचे पे हमारा छोटा सा खेत है, तो हमने यहाँ पे आलू लगा रखे थे ना, तो यहाँ के आलू तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जो ये बीच में ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे हमारे टफिन है ना पूरे आलू मतलब पैर से ऐसे खोद के पूरे बाहर निकाल रखे हैं ये देखो, तो पूरा इसने यहाँ पे बर्बाद कर दिया। कुछ बंदर बर्बाद कर देते हैं, कुछ हमारा टफी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इधर साइड अच्छे अच्छे आलू रखे हैं। तो दोस्तों अभी हम चले गौशाला की तरफ, ये है हमारा गौशाला का बर्तन और ये मम्मी चले हम मेरे हाथ में घास लेते हुए। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में और यहाँ पे देखो मुझे कौन मिल गया है, सिंगर चाची। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक हो? नए साल में सब ठीक होने चाहिए, हम लोग भी तुम लोग सब तरक्की करें। हाँ तुम्हारी फैमिली भी और हमारी फैमिली भी, सबकी फैमिली जितने भी है हमारे सब ठीक ठाक होने चाहिए। अब साल बैठ दबू ने अब साल बैठ रहा दिन इतिहास आराम देखो ये जाडो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा हम अपन घाम जल्दी डूब जाना चाटो नहीं दिया तो ये तुम्हें भी सारे मानी तू ही धरिया ये लिटे लटे तो चमन बुन चम बड़ी मैं भी वो तुम भी बताया गोबर भी साफ हो रहा है साथ साथ में, और इसके बाद दोनों के दोनों दूध निकालेंगे काली और कमली से। एक बात है जब सर्दियों में ना भैंस उसी समय हगती है तो गोबर पकड़ने में बहुत मस्त लगती है, गर्म लगती है ठंड और हमारे हाथ हो जाते हैं गर्म, तो मन करता है इससे ऐसे खेले फुटबॉल इससे। तो अभी काली और कमली देंगी दूध, उसके बाद चलेंगे घर के लिए। और बताओ सिंगर चाय सब ठीक है ना? और सब बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ नए साल मेरा सर दर्द ठीक है तो पूरे साल भर ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा रंग लाएगी मेरा सर दर्द एकदम ठीक है बिल्कुल, कल से मैं एकदम क्लीन हूँ। और जो मैंने वो भजन गाया है उस भजन को कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। जिस बहन भैया कोई भी है किसी को चाहिए था वो भजन जरूर अपने ध्यान में रखना, ध्यान मगन हो जाना। हाँ बढ़ाना कि भगवती आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी और हमारे भी करेगी साथ में। बिल्कुल, अगर किसी को मतलब लिखा हुआ चाहिए तो मम्मी को मैसेज कर देना फेसबुक में, मम्मी को बोल दूंगी फोटो भेज देना उनको, क्योंकि उनको काफी पसंद आता है चाची और मम्मी लोगों के कीर्तन। तो आप लोग बता देना अगर आप किसी को कीर्तन वगैरह चाहिए होंगे ना, क्योंकि काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है कीर्तन वगैरह में, तो बता देना मुझे। तो फिलहाल ये तो गौशाला का काम निपटाते हैं, मुझे जाना है घर डिनर की तैयारी। अब यहाँ के भी देखो, ये तो ना इंसाफ हो जाएगी, एक जगह की देखो दूसरी जगह की थुबड़ी देखो, अभी की ये थुबड़ी तो दोस्तों गरम गरम है, अभी गरम है तो ये एकदम ऐसे भी रह सकती है। तो दोस्तों अभी खाने की तैयारी भी होने लगी है और रात के खाने में हम बना रहे हैं यहाँ पे छीमी की भुजी जो कि हमने अभी निकाली थी ताजी ताजी, और मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ सब्जी बनाने की, और शीतल भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है रोटी बनाने की। तो आज मतलब जो आटा हमने निकाल रखा है वो है रलो का आटा, मतलब मंडुए का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके, तो कोदे की रोटी के साथ जो छीमी की सब्जी होती है ना उसका अलग ही मज़ा है। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि आप शीतल से ही रोटी क्यों बनवाते हैं, शीतल बोलो क्यों बनवाते हैं आपसे? क्योंकि मैं सब्जी अच्छी नहीं बनाती। हाँ असली रीज़न यही है क्योंकि उसको सब्जी बनानी नहीं आती, दाल बनानी नहीं आती, तो रोटी बना लेती है। हाँ तो रोटी बना लेती है, भात बना लेती है, तो मतलब दिन का खाना तो ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ, सुबह शाम रोटी शीतल बनाती है और सब्जी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मस्त करके सब्जी बना रहे हैं, हमारी माता श्री भी इधर घूम रही हैं, ठेकेदार जाना
ठेकेदार जन घूमने में बोलू ठीक था मैं जब मेरे बच्चे खाने बना रहे बिल्कुल खाना बनाने के लिए तो पैदा किए थे असली रीजन है ताकि मैं ऐसे ठेकेदार जैसे घूम पाऊँ है पागल लड़की नहीं सही तो बोल रही हूँ खाना बनाने के लिए हमको पैदा किया गया था ये देखो ताकि मैं आराम से ऐसे घूमते रहूं बनाने के लिए नहीं नाचने के लिए किया हुआ है हाँ। ब्लॉग बना रही है खाना ही बनाते हो अच्छे काम भी तो करते हो हाँ, बिल्कुल काम है खाना बनाना बिल्कुल सही बात है तो अभी डिनर की यहाँ पे तैयारी हो रही है और मम्मी से पूछते हैं मम्मी ने कितने सालों से खाना नहीं बनाया अभी ये बताओ पहले खाना क्यों नहीं बनाती जब तुम श्रीनगर जाते हो कहीं डांस डोंस में जाते हो तो फिर खाना कौन बनाता है लेकिन बहुत कम पर हमने तो पता नहीं कितने सालों से नहीं खाया मम्मी के हाथ का ठेका ले रखा है तुम्हारे घर का ये बाबा ज्यादा सीरियस हो गई गाइस मम्मी तो कैमरा यहाँ लगा अब डंडा भी पड़ सकता है फटाफट ये बोलते हैं कभी खाना बनाया जब तुम छोटे छोटे थे तब किसने बनाया था खाना पहले ये बताओ अब आप मिस कर रहे ना नहीं खाना आप बनाओगे खाना और मैं खाऊंगी मम्मी ने ज्यादा सीरियस ले लिया यार सीरियस की बात नहीं है मैंने तुम्हारे घर का सारा ठेका थोड़ी नहीं ले रखा है जिंदगी के बाद तो दोस्तों आपको मैं अपनी छीमी की सब्जी दिखाती हूँ मम्मी पे कैमरा लगा के गलती कर दी इग्नोर करते हैं मम्मी को इग्नोर करते हैं क्यों करना है अरे मम्मी मजाक कर रही हूँ यार बात नहीं है ठेके वाली बात है ना मैं ठेके वाली बात बोलूँ मैंने ठेका नहीं ले रखा है बिल्कुल आप सही हो तुम्हारे दूध भी निकालू सही बात है हमारी पोल भी खुल सकती है दोस्तों इसलिए कैमरा बंद करना यही बोलेंगे वो कमेंट में मोनिका की आंटी से ज्यादा काम मत करवाओ ये भाई क्या काम कर दी बस तो मैं तो दिखाई नहीं देता काम वो देखेंगे ना जो वीडियो देखेंगे आंटी कितना बिल्कुल करती है करती मेरी मम्मी भी काम करती है और हम लोग भी काम करते हैं लेकिन खाना बनाने का किचन का डिपार्टमेंट हम लोगों का ही है तो यहाँ पे हम रोटी सब्जी बना रहे हैं उसके पास जब ड्यूटी मेरे ही पास आएगी नहीं बहू आ जाएगी ना तब तक चलो ठीक है दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहले डिनर तैयार करते हैं नहीं तो बताती हूँ आटा को देखा आटा कैसे गूंथते हैं हाँ ये भाई हाँ हथगुली से ऐसे बताओ बताओ ऐसे करते हैं हाँ ऐसे ऐसे गूंथा जाता है तभी गूंथते हैं आटा हाँ हथेली से हथगुली से तब अच्छा गूंदा जाता है ना कोदे का आटा है तो रोटी मस्त मस्त फुली फुली बनती है तो जल्दी से यहाँ पे डिनर तैयार करते हैं जल्दी से डिनर तैयार करते हैं नहीं तो मम्मी तब डंडा मारेगी तो दोस्तों यहाँ पे गर्मा गर्म कोदे की रोटी बन चुकी है ये देखो आप लोग भी आ जाओ कोदे की रोटी खाने और छीमी की सब्जी के साथ तो चार चांद लग जाएंगे तो ये है हमारी आज की सेफ रोटी के लिए रोटी दिखाना हमारी पब्लिक को ये देखो दोस्तों गर्मा गर्म कोदे की रोटी आप लोग भी मिस कर रहे होंगे रे रामू के कांता वीडियो में ही आप लोग मन भर लो के कांता याद हो तुम लोग तो भी होनी तो हम लोग यहाँ पे मस्त करके कोदे की रोटी खाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिनर रेडी हो चुका है छीमी की सब्जी कोदे की रोटी और साथ में घी घी है बिरयानी निकला नहीं जा रहा है फ्रिज पे रखा था इतना कड़क हो रखा पापा, है पापा बताओ कैसा लग रहा है कोदे की रोटी खा के अब देखते हैं जब मैंने कहीं नहीं मिलकर भी है तो यहाँ पे मस्त करके आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा क्या करें रे क्या करने घी का लोटा देखो बिल्कुल यहाँ पे दूध भी है गर्मा गर्म बुढ़े जवान होने तैयार हुई पूरे तो पापा यहाँ पे मस्त करके खाना एंजॉय कर रहे हैं दूध भी तोर पापा का ये देखो अब बताओ टेस्ट जबरदस्त बस तो ये है पहाड़ी खाना का आनंद लेते हैं कोदे की रोटी साथ में दूध और ये छीमी की सब्जी साथ साथ में आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं ना पहाड़ी खाने के साथ और यहाँ पे शीतल भी इंतजार कर रही है मैं भी नीचे बैठूंगी कब यहाँ पे थोड़ा जगह हो जाए क्योंकि जगह की कमी है थोड़ा इनको कितनी करारी रोटी चाहिए अभी मैं उधर निकाल रही हूँ फिर वहाँ चूल्हे में घुसा रहे हूँ पापा को कोदे की रोटी एकदम करारी चाहिए होती है तो ठीक है दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन जरूर दबाना मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट